बच्चू। मैं ना भैया को कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आप कुछ क्वेश्चन को आंसर दे पाया तो सोचो मैं आपका जो आइसक्रीम का ना मैं डबल पैसा दूंगा। और बताओ वाला है तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल एंड द अनदर वीडियो। तो आज का व्लॉग जो शुरुआत हो रहा है ऐसे जगहों से जैसे कि आप सब देख पा रहा होगा, एंड ये जो होटल है द पराठा, विनोद भाई का होटल है। तो अभी हम खा रहा है ब्रेड टोस्ट एंड जिंजर लेमन पी रहा है हम, मैं और ये जो भाई, जैसे कि आप सभी को कोई लोगों को तो पता ही होगा, एंड ले लद्दाख बोल के इसका एक चैनल है, यूट्यूब का चैनल है। ऑब्वियसली आप सब देखना चाहते हैं तो इसका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आज एक दिक्कत हुआ है, सुबह सुबह ना मेरा फ़ोन हाई टेम्परेचर हो गया ना, तो मैंने ऐसे रखा है, देख यहाँ पे रखा है, देख मैं आपको दिखाऊंगा हाई टेम्परेचर। देख आईफोन का ये दिक्कत होता है, देख टेम्परेचर, आईफोन नीड्स टू कूल डाउन बिफोर यू कैन यूज़ इट। मैंने ना इसको यूज़ करने से पहले इसको ठंड होना चाहिए, अदरवाइज ये ऐसे ऑफ नहीं ना होगा। तो देख यार आईफोन का क्या क्या दिक्कत होती है, देख अभी ऑफ हो गया, ऑफ हो गया। मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया ये ऑटोमेटिक जो है ऑन ही हो गया। तो कोई बात नहीं, आज हम सुबह सुबह यहीं पे खाना खाने के लिए आया हूँ मैं और ये जो राइडर भाई, इसके जो चैनल मैं दिखाता हूँ ये है इसका चैनल ले लद्दाख बोल के। आप इसका कंटेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके सब्सक्राइब करो। तो अभी हम यहाँ पे बैठ कर ना आज ब्रेकफास्ट करें, एक्चुअली आज है संडे तो मैंने सोचा था कि आज संडे के कुछ राइड करूँ। आप सभी को तो पता ही होगा ऑब्वियसली मैंने नया बाइक लिया है, लेकिन मैंने नया बाइक पे राइड क्यों नहीं किया, मोटो ब्लॉग्स क्यों नहीं बनाया, तो ये भाई बताएगा। भाई बताओ यार मैंने मोटो ब्लॉग्स क्यों नहीं किया, इसका RC 390 थोड़ा सा दिक्कत हो गया ना। हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया था गाइस, और इसीलिए और 4-5 दिन लग सकते हैं। हाँ तो इसीलिए भाई ने, मतलब भाई ने मेरे लिए भी काफ़ी सपोर्टिव किया है और सपोर्टिव भी है। तो ये भाई मेरा KTM लेके जा रहा है तो ब्लॉग बनाने के लिए, इसमें कोई मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है और बाइक का साथ साथ ब्लॉग भी चलेगा। तो अभी हम फिलहाल टी पी रहे, तो और 5-6 दिन लगेगा गाइस इसकी आरसी, फिर अपडेट होके आ जाएगा तो फिर हम साथ में राइड कर लेंगे। सो एक्चुअली हुआ क्या था मैं बताता हूँ आप सभी को ना। तो एक्चुअली हुआ था कि मेरा जो KTM RC 390 जो मैंने नया लिया है उसका थोड़ा सा छोटा सा एक प्रॉब्लम हुआ है, पता नहीं छोटा होगा या बड़ा होगा है ना, मेरे को अभी तक नॉलेज नहीं आया। KTM शोरूम पे रख के 3 दिन हुआ है तो अभी तक कुछ नहीं अपग्रेड दिया उन्होंने मेरे को, क्योंकि उसका जो KTM शोरूम है ना अभी तक वो ओपनिंग अच्छे से नहीं ना किया है। सो उन्होंने मेरे को कहा कि जब तक सामान नहीं ना आएगा तब तक आपके जो KTM RC 390 जो है बना नहीं पाऊंगा हमें। सो फिलहाल के लिए मैं अभी यहीं पे जिंजर लेमन पी रहा हूँ। भाई को मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई के पास एक KTM RC 200 है, एंड मैंने भाई को बताया कि अगर आप हो सके तो आपका बाइक मुझे चलाना। तो भाई ने मेरे को कहा कि आप कुछ इश्यूज नहीं है, आप ब्लॉग्स बनाने के लिए लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप लेके जाओ बोल के भाई ने मेरे को भरोसा करके दिया है। सो आज मैं जा रहा हूँ संडे राइड के लिए, मैं अकेला, मैंने तो बताया कि भाई को साथ में चलो, भाई आज बिजी है, बहुत बिजी है, क्योंकि लोग आजकल मेहनत करने लगा है ना, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत बिजी है। सबसे पहले तो आप सभी को ये कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच फॉर 5K करवाने के लिए। तो मैंने एक वादा किया कि 5K पे मैं किसके साथ वीडियोस बनाऊंगा, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 5K करवाया दिया, एंड मैं तराज रहा हूँ कि उसके साथ वीडियोस बनाने के लिए। तो कल से उसके साथ वीडियोस आएगा, क्या बोलते हैं, कल से उसके साथ वीडियोस आएगा। एंड थैंक यू सो मच वन सेकेंड 5K करवाने के लिए, ऐसे 10K करवा दो जल्दी से जल्दी। तो फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ, मैंने फ्रेश वगैरह सारे करके, अभी मेरे जो ये फ्रेंड का बाइक है, मेरा बाइक जो है KTM शोरूम पे लगाए हैं अभी भी। सो अभी मैंने आज सोचा था आज से संडे राइड करने वाला हूँ मैं ना, तो मेरा सारे GoPro का सेटअप जो भाई ने पकड़ के रखा है। सो ये भाई जो है पलदार से, एंड कल कब आया था आप, कल आया था ना ये पलदार से लद्दाख आया था, तो मैंने सोचा था कि भाई को भी आज घूमने के लिए लेके चलो। तो मेरा ये वाला स्कूटी है ना फ्री रखा है तो मैंने सोचा था कि भाई को चला लो, तो हम दोनों जगह भाई जगह स्कूटी पे मैं जाऊंगा, इससे मोटो व्लॉग बनेगा आज संडे राइड का, कैसे होते आप सब पता नहीं अभी तक ना। तो मैंने तो सोचा था कि सुबह जाके मैं व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ, मतलब मोटो व्लॉगिंग के लिए तो मैं पहले ही ऑलरेडी रेडी होकर रखा था, बट आज संडे राइड मैंने सोचा था कि सुबह से करूँ, बट यार ऐसे कुछ कुछ करते करते मतलब दोपहर का टाइम बच गया, ठीक है। सो अभी बच रहा है टाइम दोपहर का 1:30 बज रहा है, तो हमने कुछ चाय वगैरह सारी पी के, तो अभी हम भाई स्कूटी पे जाएगा, मैं ये बाइक लेके जाएगा, सबसे पहले हम जाएगा ठीक से मनुष्य। सो गाइस बहुत सारे लोगों ने मुझे कह रहा है कि आप लद्दाख रह रहे हो तो आप लद्दाख एक्सप्लोर करूँ, हिडन प्लेस एक्सप्लोर करूँ, तो मैं जितना हो सके मैं करूँगा। आज तो दोपहर का टाइम बच गया, ठीक है, बाकी आज का राइड कैसे होगा पता नहीं, आप लोग वीडियो एंड तक बनाए रहे तभी पता चलेगा आप सभी को ना। अगर आप सब कोई भी यहाँ पे चैनल पे नए है तो एंड सब्सक्राइब करना मत बोलना। सो गाइस निकलता हूँ यहाँ से सीधा GoPro पे मिलता हूँ, लेट्स गो। फाइनली मैं GoPro पे आ चुका हूँ, कन्वर्ट हो चुका हूँ मैं GoPro पे ना। सो अभी मैंने आज ग्लोव्स लगा लिया, बिकॉज यार देख मैं फिर खज्जल नहीं होना चाहता कि पहले की तरह, देख मेरा हाथ पे ऑलरेडी यहाँ पे गो है, आप
आप देख पा रहा होगा बड़े बड़े से गाँव है ना, तो ऐसे में नहीं होना चाहता, तो इसलिए मैंने आज ग्लोव्स लगाया। तो मैं चाहता हूँ कि ना मोटो व्लॉग बनाते समय सारे राइडिंग गियर्स पहनूँ, बट अभी मेरे पास बजट जो है ना बहुत कम है, तो इसलिए खरीद वगैरह सारे नहीं सकता। फिलहाल के लिए जो मेरा फ्रेंड है वो निकल चुका है यहाँ से ना, मैंने उसको बताया कि आप पहले निकल जाओ क्योंकि मैं तो पहुँच जाएगा। मैंने उसको बताया कि आप पहले चले जाओ बिकॉज मैं तो पहुँच जाएगा, मैं तो इधर बाइक पर हूँ और ये स्कूटी पर ना, तो मैं तो पहुँच जाएगा। सो मैंने उसको ऑलरेडी बताया था कि भाई आप चले जाओ, बट पता है दिक्कत क्या है, वो काली पलदर से आया ना, मतलब जम्मू से आया है, तो मैंने उसको बोला कि अगर आपको रास्ता पता नहीं हो तो लेफ्ट साइड जाना है। सो गाइस अभी हम निकल चुका है यहाँ से ठीक से मोनेस्ट्री के लिए, अभी मेरे जो दोस्त जो है ना वो जा रहे हैं वहीं से ना। सो गाइस आज का संडे राइड जो है ना, भगवान यार तेरे पे आकर के अच्छा होना चाहिए आज का संडे राइड जो है ना। बाकी मेरा माइक का जो सेटअप कैसा है मुझे मालूम नहीं है बिल्कुल भी। बाकी ये है सिंधु, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, पता है इस साल पता नहीं यार लद्दाख में ना गर्मी जो है थोड़ा सा कम ही आया है, पहले की तरह नहीं ना आया है। सो खैर कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें ना। बाकी यार देखिए ये है शे का पंग बोलते हैं यहाँ पे ना, ये ग्रीन जो ग्रास है ना इसमें बहुत सारे लोग इन्जॉय वगैरह करने के लिए आते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, इन्जॉय मतलब वो नहीं है कि डोंट बी नेगेटिव ओके, मतलब यहाँ पे लोग फैमिली पिकनिक्स वगैरह मनाने के लिए आते हैं। बाकी ये जो बंदा है ना फुल पावर स्कूटी चला रहा है, क्या बोलता है यार। बाकी आज का ये व्यूज़ जो है ना, मतलब मेरा सेटअप जो कैसे हुआ है मुझे है ना बिल्कुल ही मालूम ही नहीं, क्योंकि यार देख मैंने ना आगे से जो स्क्रीन जो है ना ऑफ करके रखा है इसलिए। बाकी वी आर गोइंग टू ठीक से मोनेस्ट्री फॉर इसको, मैं सोच रहा था कि इसको घुमाने के लिए लेके जो बट इसको है ना ऑलरेडी पता है कि ठीक से मोनेस्ट्री कैसे ही बोल के, ठीक है मतलब इसने कल ही दिखाया है। अदरवाइज मैंने सोचा था कि भाई को आज कुछ सरप्राइज दूँ, मतलब ठीक से मोनेस्ट्री लेके चलूँ, भाई तो ऑलरेडी कल जा चुका है तो मैं क्या कर सकता है, क्या बोलते हैं। तो गैस अभी मैं ना ये वाला ग्लोव्स को मैं अंदर ही डाल देता हूँ बिकॉज ना डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ इसको अंदर अच्छे से लगा के अच्छे से चलाऊँ विदाउट डिस्टर्ब ओके। तो निकलता हूँ यहाँ से ना, पता नहीं आज का ये गोप्रो का सेटअप जो ना कैसे हुआ है, जहाँ तक मुझे लगता है ना कि ये गोप्रो का जो सेटअप है ना अच्छा नहीं ना हुआ है मुझे लगता है जहाँ तक, ठीक है। अदरवाइज यार देख आप सभी से डिपेंड करते हैं, अगर अच्छा नहीं हो तो आप साफ थोड़ा सा झेलना ही पड़ेगा। ओके लेट्स गो ब्रो, कम 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 कम, मैं तो भगा सकता हूँ ठीक है, बट पता है दिक्कत क्या होती है, जो भाई पीछे रहा है ना उसको यार देख फिर अगर रास्ता नहीं ना पता हुआ तो बाद में दोनों भाई ढूंढने में लग जाएगा सारे टाइम जो है ना, तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि टाइम भी सही सलामत से चलूँ एंड अब तो एंड मैं भी ना अच्छे से व्लॉग्स बनूँ एंड लोगों को भी यार मैं अच्छे अच्छे एंटरटेनमेंट देना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं यार। सो बाकी क्या बताओ गाइस यार, आप सब ने 5K करवा दिया फाइनली है ना, तो ये है शे मोनेस्ट्री। सॉरी गाइस थोड़ा सा मैंने गलत और ट्रैक किया बिकॉज मुझे ना थोड़ा सा अंदर भाई कीड़े वीड़े घुस गया ठीक है, इसीलिए अदरस मैं ऐसा नहीं करता। अभी मैंने शे कवर कर लिया, अभी हम पहुंचने वाला है ठीक से मोनेस्ट्री। बाकी यार देख माइक का जो आवाज़ है ना अच्छा होना चाहिए, आप सभी को दिखाऊंगा अभी हम जाने वाले ऊपर जो एक मोनेस्ट्री है ना वहीं जाने वाला हूँ, वहीं जाके मैं आपको दिखाऊंगा व्यूज़ भी एंड बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। आज मैं जितना भी हो सके मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि एक्सप्लोर करूंगा लद्दाख में क्या क्या चीज़ें हैं ठीक है, बिकॉज यार देख मैं चाहता हूँ लद्दाख एक्सप्लोर करूँ अच्छे अच्छे से, क्या बोलते हैं। बाकी यार देख लोग पीछे से कई को हरन मर रहे हैं, क्या हो गया भाई जान, क्यों हरन मर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ हरन मत मारो पीछे से, नहीं नहीं मैं तो स्लो चला रहा हूँ ना, मैं तो स्लो चला रहा हूँ ना, पाजी मैंने स्टंट दिखाया नहीं, पाजी मैंने स्टंट दिखाया नहीं, मेरे पास वीडियोस पड़े हैं। आप फोन क्यों मारते यार, देख यार क्या कैसे कैसे लोग होते हैं यार यहाँ पे, यार देख लद्दाख में आके ना कुछ भी ये लोग बोलने लगते हैं यार, तो यार अच्छा नहीं ना लगता है ना भाई साहब। अभी इसमें मेरे क्या गलती है बताओ, लोग यार देख ये बंदे ना मेरे पीछे इतना हॉर्न मर रहे हैं ना यार, देख मेरे को गुस्सा ऑब्वियसली आएगा, देख ये खुद कितना स्पीड चला रहे हैं।
फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुका है ठीक से मनोज स्टूडियो, जो कि आप सब देख पा रहे होगा। अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ जा रहे हैं साइड ऑफ आगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे ना कुछ स्कूल वगैरह है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। क्या बोलते हैं, स्कूल मतलब हॉस्टल होगा स्कूल का बच्चे का। बाकी अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। और यार भाई सब ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने सोचा था आज गया मैं काम से भाई। ओ माय गॉड, सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ठीक से मनोज स्टडी, जो कि आप सब देख पा रहा होगा। ये है ठीक से मनोज स्टडी। अब टाइम बज रहा है 2:41 जो है ना, एंड अभी बाइक जो मैंने वहीं पे पार्किंग लगाए। तो एक्चुअली यहां पे दिक्कत क्या हो गया मैं बताता हूं। दिक्कत ये हो गया कि जो कि मेरा फ्रेंड है ना, उसको मैंने पहले ही बताया गया ना जो दिक्कत होने वाला था, वही हो गया। मेरे फ्रेंड को ना रास्ता नहीं ना पता है, तो पता है वो कहां चला गया? वहां पे एक दूर पे एक मनोज स्टडी है ना, वहीं चला गया। पता है अब मैं इसका वेट ही कर रहा हूँ, नहीं तो यार देख हम यहाँ पे दर्शन करके निकल चुका हूँ यहाँ से ना। अभी टाइम बज रहा है 2:42, तो यार फिर हम नहीं चाहता हूँ यार ज़्यादा टाइम हो के फिर वीडियोज़ जो है ना अच्छा ना हो, ठीक है? तो हमें चाहता हूँ वीडियोज़ भी अच्छा हो, एक्सप्लोर भी करो, सारी चीज़ें करो। बट दिक्कत ये है कि भाई आया नहीं अभी तक जो कि मेरा फ्रेंड है। भाई जो है पहुँच चुका है, भाई का थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग खाली ओ लीलाम स्मार्ट आ जाओ बोला मीम्स बहुत वायरल हुआ ना, देखा ना तूने? और मैं इतना भी स्मार्ट नहीं हूँ, बहुत सारे लोग पता है आजकल मेरे भी मीम्स बनाने लगते ना, तो मुझे ऐसे फील हो रहा है ना लाइक काइंड ऑफ कि भाई थोड़ा सा ऊपर चढ़ा गया, क्या बोलते हैं? बाकी थोड़ा सा भाई का थोड़ा सा है ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक से नहीं, नहीं वो है स्टकना, मैंने स्टकना तो बहुत दूर है, पता है यहाँ से सोचे कि 3-4 किलोमीटर है, तो भाई चला गया सीधा डायरेक्टली। मैंने बोला कि भाई यार धीरे चलो, उधर चला गया। हाँ अभी भाई चला गया, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे एक मनुष्य देख रहे हैं, वहाँ पे वहीं चला गया, इतना दूर चला गया। अभी हम इतना मतलब इतना डिपेंड है यार, भाई को पता नहीं ना है ना रास्ता, तो इसलिए भाई इतना दूर चला गया। जितना भी लोग रिएक्शन देना मैं सामने ब्लॉग्स बनाऊंगा, बिकॉज तेरे भाई के अंदर ये जिक्र है कि ब्लॉग्स बनाने में। सो गाइस यहाँ से नीचे ना व्यूज बहुत काफी अच्छा दिखता है, मैं दिखाऊंगा आप सभी को ना। भाई तेरे को मैंने क्या बताया था, देख इतना बड़ा गेट है, तेरे को ये भी नजर नहीं आया क्या? गेट देख इतना बड़ा गेट है, तो फिर भी इसको है ना नज़ार नहीं आया। खैर छोड़ो कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ पहुँच चुका है। मैं एक लोकल बंदा हूँ ठीक है, तो मैं जितना भी बाहर से दिखता होगा ना, तो उनको मैं ये दिखाना चाहता हूँ लद्दाख का व्यूज, जैसे कि इसकी तरह देख कितना अच्छा है। मतलब देखिए मतलब उस साइड पहाड़ और बीच में देख हरा हरा कितना अच्छा लगता है ना। तो यार बीच में पिकनिक स्पॉट मतलब बीच में पिकनिक वगैरह मनाने हो तो तंबू वगैरह लगा के तो कितना अच्छा लगता है। और पहाड़ के ऊपर बर्फ क्या चाहिए इससे ज़्यादा खूबसूरत, मतलब लद्दाख क्या हो सकता है ये बताओ। लद्दाख लोग क्यों आते हैं? क्योंकि व्यूज़ देखने के लिए, इतना अच्छा है, पीसफुल है ना, वहाँ पे शोर है, तो इसीलिए आते हैं लद्दाख में है ना, जहाँ तक कि मुझे लगता है यार। तो हम किस्मती बंदा होगा कि लद्दाख में पैदा हुआ है इसीलिए, अदरवाइज़ कितना खूबसूरत है ये देख। एंड साथ में ठीक से मनोस्ट्री इस बॉम्ब वाला चीज़। जो सबसे पुराना वाला है ना वो है स्टेचू, एंड इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। बाकी मैं कोमियर से पूछने की ट्राई करता हूँ, अगर वो कैमरा में आना चाहते हैं तो वो खुद ही मुझे जानता है कि ऑल देन आप कैसे है, आपका नया बाइक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोला मुझे ना खुद ने, तो ये जो खाता है ना मुझे बाइक भी लगाने के लिए दिया है, ये मैं बाइक भी लगाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच देने के लिए, ये मतलब मेरे लिए बहुत ही नहीं बोले धर्मराज कसल
तो यू ये जो है ना 10th सेंचुरी इतना पुराना है कि मतलब सोचो 1000 साल से भी पुराना। तो ये सबसे मेन टेम्पल है ना गिनाला, सो ये जो है मेन टेम्पल है। तो मैं फर्स्ट विजिट कर रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छा लगा। फाइनली गाइस मैं फिर से गोप्रो पे कन्वर्ट हो चुका हूँ। अभी हम जा रहे हैं वापस बैक टू ले जा रहे हैं ना अभी हम। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं बैक टू ले जाके किसी को पिक करना है। तो आज मैं आपको वो भी दिखाऊंगा एक स्टेडियम है कि कितना यार अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा लगा, मतलब काफ़ी अच्छा लगा, क्या बोलते हैं, मतलब दर्शन करके सारी चीज़ें करके यार झूले चले। सो गाइस अभी हम निकल चुका है टिकचा मोनेस्ट्री से विजिट करके दर्शन करके। सो अभी हम जा रहे हैं बैक टू ले एंड ये जो है ले का मतलब सॉरी ये जो है टिकचा मोनेस्ट्री का पार्किंग है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यार। सबसे मेन चीज़ तो मेरे को ये अच्छा लगा कि अभी जो मोनेस्ट्री में एक लामा है ना वो मेरे को पहचान रहा है, वो बोल रहे कि मेरा व्लॉग्स दिखता है, ठीक है। तो मेरे को बहुत काफ़ी अच्छा लगा यार, लोग कहने लगते हैं ना ऑल द यार मैं तेरे व्लॉग्स दिखता हूँ, ठीक है। तो मेरे को यार काइंड ऑफ मोटिवेट मिलता है। अभी हम यहाँ पे थंबनेल लेना है। ओके सो मैंने फ्रेंड को बता दिया कि वहीं रुकने के लिए। ओके गाइस सो वी आर लिविंग फ्रॉम हेयर टिकचे। अभी हम जा रहे हैं लेक की तरफ सीधा डायरेक्ट ना, क्योंकि देख यार हमने आज वो भी एक्सप्लोर करना है, लेक का स्टेडियम फुटबॉल स्टेडियम भी मैंने एक्सप्लोर करना है आपसे भी के लिए। बाकी यार देख मैंने तो पहले भी देख चुका है, ठीक है, बट मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ आप सभी के लिए जो जो बाहर से देख रहे हैं ना लेक से। ओके गाइस सो फाइनली जंपा पहुंच गया। जंपा जो है आप सभी को पता ही होगा यह एक बाजार है। बहुत धूल दर्द चढ़ गया यार मेरे जो फेस पे ना, मैं क्या ही बताऊं यार, मैं क्या ही बताऊं, मेरे जो फेस पे ना पूरा धूल दर्द चढ़ गया। ये जो जगह है ना कितना अच्छा है देख, मतलब ये है पेमा का शेड है ना, मतलब ये जो जगह है क्या बताओ यार, मेरे को यार मालूम ही नहीं है, फिर भी मैं क्या रहे ये जो जगह है यार जब मालूम नहीं है तो मैं कहाँ बताऊँ फिर यार, मालूम नहीं है तो मालूम ना है तो कहाँ अलबा क्या बोलता है, मेरे को मालूम नहीं है भाई। मेरा फ्रेंड जो है पीछे ही रह गया यार। ओके गाइस सो फाइनली हम लोग पहुंचने वाला है। मजा आएगा रे लोगों के साथ मस्ती करके। यार मैंने उसको डराया यार, थोड़ा सा डराया मैंने, सॉरी गाइस सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैंने उसको डराया मतलब ठीक है सॉरी। मजा आता है यार कभी कभार ऐसे करने से ना, बट ये मैंने जानबूझ के नहीं ना किया, मुझे पता है ना ये मैंने मजाक करके मतलब मजाक किया, ठीक है। सो बाकी क्या बताऊँ मैं, अभी हम सब पहुँचने वाला है, मतलब पहुँच गया। सोचो ये है लद्दाख का है ना फुटबॉल स्टेडियम है। सो वी आर गोइंग टू स्टेडियम इनसाइड, मतलब बोलते हैं ना अंदर को इनसाइड बोलता होगा शायद, आई थिंक सो है ना, बाकी मेरे को मालूम ही नहीं गाइस क्या बोलते हैं। अगर आप सब मेरे को इंग्लिश नहीं ना आता होगा ना मेरे को सिखाओ, ठीक है, कमेंट करो यार जो भी अच्छे अच्छे जितना हो सके करो, बट मेरे को इंग्लिश भी सिखाओ साथ ही साथ क्या बोलते हैं। बाकी ये जो है लद्दाख का स्टेडियम, आज यहाँ पे फुटबॉल मैच है गाइस यार, मैं यहाँ आके अच्छा कर लिया मैंने ना, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल मैच है आई थिंक सो। सो गैस अभी ये जो है ना लेक का स्टेडियम है, मतलब फुटबॉल स्टेडियम, ठीक है। तो आज यहाँ पे कुछ चल रहे हैं, मेरे को मालूम नहीं है क्या चल रहे, बट
आई एम ट्राई टू एक्सप्लेनिंग यू गाइस है ना, मतलब यहाँ पे क्या चढ़ में दिखा पाया तो फिर गुड, अदरवाइज नॉट गुड। एक को पार्किंग करता हूँ एंड देन मैं दिखाता हूँ आप सभी को ना क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चढ़ रहे हैं ना। अदरवाइज मैं ना आई कैन एक्सप्लेन की मतलब यहाँ विदाउट बाइक रह के मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट मैं बाइक रख के मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, अंदर मैं दिखाऊंगा आपको क्या चढ़े। बाकी मेरा जो GoPro का बैटरी जो है ना अभी ड्रेन होने वाला है यार, तो इसके ऊपर तो चढ़ सकता होगा ना। तो एक्चुअली ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है लद्दाख का फुटबॉल स्टेडियम है ना ये। ओके गाइस, तो आगे जाके मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ है ना। भैया को कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आप कुछ क्वेश्चन को आंसर दे पाया तो सोचो मैं आपका जो आइसक्रीम का ना मैं डबल पैसा दूंगा। और बताओ, ठीक है ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, आ जाओ ना चंदन, इधर आ जाओ, एकदम एकदम एकदम। मैं भैया को ये बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरा आंसर दे दिया तो मैंने भैया को बोला आपको मैं डबल पैसे दूंगा। मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुने, आप ध्यान से सुने, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एक बंदा आया होगा गाड़ी लेके, तब सोचो मैं आपको सिंपल से बात बता दूँ, गाड़ी लेके आया है मुंबई से दिल्ली, ठीक है। वो मुंबई से दिल्ली आने के लिए जगह सेम आया है, उसी रोड से आया है, उसी थ्रू से आया है, सब कुछ वैसे करके आया है, ठीक है। मुंबई से दिल्ली आने के लिए उसको पता है कितना, 1 घंटा 20 मिनट लगा है, ठीक है। जब वो वापस उसी रोड से जाने के लिए 80 मिनट लगा है, क्यों? अब आंसर दो, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। और बता, तू जो बताओ ना यार, आप बताओ। नहीं नहीं, आप भी कुछ नहीं बताना, आप बताओ और बता। आपको ना पता का, मैं बताओ का, आपको का, आपको का ही नहीं पता, बताओ ना। मैं बोल रहा हूँ मुंबई से दिल्ली आने के लिए उसको सिर्फ 1 hour and 20 minutes लगा है, ठीक है, और वो वापस जाने के लिए सिर्फ 80 मिनट लगा है, क्यों? ये बताओ ना आप, मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। और बता, ना पता का, माँ बताओ का भाई, 80 मिनट और 1 घंटा 20 मिनट एक ही तो है यार, आप दिमाग लगाओ ना यार, कैसे यार आप। अब 80 मिनट को यार कन्वर्ट करना है, कितना हो गया, 1 घंटे तो समझ गया ना, तो कहाँ सा अब यार। तो मैं आपको नहीं दूंगा, वही पैसा दूंगा, आप दे 2-3 आइसक्रीम खिला मुझे। देख मैंने बोला आपको 1000 रुपये तक देने के लिए राजी हो गया ना, मैं तो देख 1000 रुपये तक देने के लिए राजी हो गया ना, बट यार देख आप ये फ्लॉप हो गया कि मतलब अच्छा मैंने वो किया ना, मेरे को दूसरा देना, मेरे को दूसरा देना कुछ भी। तो चोको खाना है क्या, चोको खाना है क्या तूने? कितना हो गया, 70 रुपये हो गया ना। आपने मुझे रिप्लाई तो नहीं दिया, ठीक है, तो उस पे पैसा कटेगा आपको, या तो आप डबल पैसा ले लो या तो आप काटो। और बता, ठीक है, मैं आपको आप करना है कि आपने क्वेश्चन दिया तो मैंने आपको 1000 रुपये देने के लिए राजी किया, ठीक है, तो क्या करना है आपको, ज़्यादा दो के फिर काम दो। और बता, मेरी मर्जी है, ठीक है फिर। ओके गाइस, तो वैसे कितना पैसा हुआ? 70 हो ना, आप इतना अच्छा प्यारी है, बहुत प्यारी, इसलिए मैं आपको 100 रुपीज देता हूँ, ठीक है। कहाँ पे स्कैनर दो जल्दी, कहाँ पे स्कैनर, नंबर स्कैनर नहीं है क्या आपके पास? ठीक है, तो मैं आपको देता हूँ कितना, 100 रुपीज। सो गाइस, भैया जो है ना इतना अच्छा एंटरटेन करता है और एंटरटेन किया आप लोगों के लिए, ठीक है भाई, होना चाहिए, अगर नहीं हो तो आप देखो, गया 100 रुपीज, देखना चेक कर लो, ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच, दुआ करना कि आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, लव यू। बस फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ना, तो आज का ये जो संडे राइड कैसे लगा आप सभी मुझे कमेंट भी बता देना, एंड बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आज हमने एक्सप्लोर भी किया एंड मैंने आप सभी को ये भी दिखाया दिया कि ना आज लद्दाख का ये जो है ना लद्दाख का स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम है। बाकी मैं क्या बताऊँ, आज मैंने थंबनेल भी ऐसे करके रखे हैं, तो बाकी आप लोग कैसे लगा वीडियोस मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एंड आज का ब्लॉग जो यहीं पे समाप्त करता हूँ, अगर आप सभी को पसंद आया तो क्या करना चाहिए आप सभी को पता ही होगा ऑब्वियसली।